नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के एमपी जीके के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की प्रश्नावली क्रमांक 5। इसकी पीडीएफ एवं एमसीक्यू प्रैक्टिस आप हमारे वेब पोर्टल careerdestacademy.com पर पहुंच सकते हैं और यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हम एक मध्य प्रदेश जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट के जरिए देना होता है। उक्त वीडियो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पेशवा बाजीराव ने भोपाल के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को कब पराजित किया था? पेशवा बाजीराव जो था, उसने भोपाल का युद्ध हुआ था उसमें हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था, तो वह पराजित किया था 1737 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था। आधुनिक अमरकंटक क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? यानी जो आधुनिक अमरकंटक क्षेत्र है वह जाना जाता था मैकल के नाम से जाना जाता था आधुनिक अमरकंटक क्षेत्र, और अमरकंटक अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। मैकल वंश का सर्वप्रथम राजा कौन था? आपको बताना है कि मैकल वंश का जो सर्वप्रथम राजा था वह राजा जयवल था। इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो वर्तमान अनूपपुर जिले का अमरकंटक तथा उसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मैकल के नाम से जाना जाता था, और मैकल राजवंश के पांडुवंशी कहलाते थे। जो मैकल राजवंश थे वो पांडुवंशी कहलाते थे। बम्हनी से प्राप्त ताम्रलेख के अनुसार मैकल राजवंश के प्रारंभिक शासक जयवल और वत्सराज हुए हैं। यानी सर्वप्रथम हमारा राजा जयवल था मैकल वंश का, और पांडुवंश के अन्य अभिलेख बूढ़ीखार, मलगा, मल्हार से प्राप्त हुए हैं। ये पांडुवंशी के अन्य अभिलेख हैं जो कि बूढ़ीखार, मलगा एवं मल्हार से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किसने रामनगर में अपनी राजधानी बनाई थी? दोस्तों, यह बनाई थी हृदय शाह ने। अब इसके बारे में मैं कल जो वीडियो बना रहा था दोस्तों, तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन रहा है हृदय शाह, कहीं ये हृदय शाह जो मिला है मुझे जो छत्रसाल है बुंदेला वंश का राजवंश उसका जो है वो ये लड़का मिला है हृदय शाह, और लूसेंट बुक में कुछ और दिया है, तो लेकिन मैंने यहाँ पे आपको लूसेंट बुक से ही दिया है। और 1635 ईस्वी में जौहर सिंह की हत्या के बाद चौरागढ़ पर मुगल आधिपत्य स्थापित हो गया था। मुगल दरबार से अच्छे संबंध होने के कारण हृदय शाह को प्रेम शाह का उत्तराधिकारी मान लिया गया था। ये प्रेम शाह का उत्तराधिकारी था। और दोस्तों, जो हृदय शाह के बारे में मुझे पता चला है, ये गढ़ा राजा था, वो गौण शासक था जो हृदय शाह, लेकिन गूगल कुछ अलग बता रहा है हृदय शाह के बारे में कि ये छत्रसाल का जो है वो पुत्र था। हृदय शाह ने मंडला के निकट हरगुखेड़ा ग्राम के स्थान पर हृदय नगर कब बसाया था? तो ये भी मुझे जो जानकारी मिली है वह 1637 ईस्वी में हरखूखेड़ा ग्राम के स्थान पर हृदय नगर बसाया था हृदय शाह ने। ये जो आंसर है आपका। और कालीन निर्माण हेतु कौन सा प्रसिद्ध जिला है? तो कालीन निर्माण हेतु जो है वह मुरैना जिला प्रसिद्ध है आपका। मुरैना जिला कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मुरैना का नूराबाद स्थल मुगल कालीन है। औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर जिला जो है मुरैना में स्थित है। एक औद्योगिक विकास केंद्र है जो कि बानमौर में स्थित है। गुना स्थित फर्टिलाइजर कारखाना कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? जो गुना स्थित फर्टिलाइजर कारखाना है वह अमेरिका इटली दोनों के सहयोग से स्थापित किया गया है। यानी हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। हिंदुस्तान तांबा कॉपर परियोजना कहाँ कार्यरत है? आपको बताना है कि हिंदुस्तान तांबा कॉपर परियोजना जो है वो मलाज खंड में जो है वो कार्यरत है। मध्य प्रदेश में बालाघाट से 90 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मलाज खंड शहर के पास स्थित है, और यह परियोजना से 22 किलोमीटर दूर बेहर की तहसील में पड़ता है, जो बालाघाट मध्य प्रदेश राज्य के रास्ते पर है। दोस्तों, चंबल नहर से कुल कितने लाख हेक्टेयर
में सिंचाई होती है। चंबल नहर में कुल जो है वो 2.50 लाख यानी 2.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। ये आपको जब गूगल पर सर्च करेंगे तो दोस्तों कहीं कहीं 4.5 लाख मिल जाएगा आपका, लेकिन फैक्ट जो सरकारी फैक्ट है वह 2.5 लाख हेक्टेयर ही सिंचाई हो रही है, लगभग 2.25 तो 2.5 लाख मान के चल रहे हैं अपन। और ये जो चंबल नहर है वह भिंड क्षेत्र में भी शामिल है, और राजस्थान के कोटा से निकली चंबल नहर शेरपुर से लेकर भिंड तक करीब 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व का दूसरा आदिवासी सोच संचार केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के बाद झाबुआ में दूसरा जो है वो आदिवासी सोच संचार केंद्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। रॉक फास्फेट मेघनगर जिला झाबुआ में मिल जाएगा आपको। मेघनगर औद्योगिक विकास केंद्र आपका झाबुआई में है और झाबुआ में पर्यटन स्थल एक देवझरी नाम से स्थित है। देवझरी एक पर्यटन स्थल है झाबुआ में। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये तो फेमस क्वेश्चन है। कमला नेहरू प्राणी जो है वह इंदौर में स्थित है, मिनी बॉम्बे इंदौर में आपके कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय है। और इंदौर में उच्च प्रौद्योगिकी व लेजर किरण परमाणु ऊर्जा की संस्थान है जो कि 1984 में स्थापित किया गया था। सिविल न्यायालय ऑनलाइन करने वाला पहला जिला कौन सा है? सिविल न्यायालय ऑनलाइन जो जिला करने वाला है वह पहला जिला है वह है होशंगाबाद है। और प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में देश का शीर्ष जिला आपका होशंगाबाद है। नर्मदा बैतवा नदी का संगम बिंद्रावहन जहां मेला लगता है वह होशंगाबाद जिले में है। स्टील संयंत्र डोलरिया होशंगाबाद जिले में प्रस्तावित है। इटारसी में आपकी आयुध डिपो है, जो इटारसी आता है वह होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है, इसी जिले में स्थित है। आर्मी एजुकेशन कोर पचमढ़ी जिला होशंगाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल पचमढ़ी होशंगाबाद में ही स्थित है आपका। छोटी तवा नदी का उद्गम स्थल किस जिले में स्थित है? छोटी तवा नदी का उद्गम स्थल जो है वह बैतूल में स्थित है, यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला की एक छोटी नदी है जो आबना व सुक्ता नदियों से मिलकर बनी है और सुक्ता खानदेश से बुरहानपुर में प्रवेश करती है एवं उत्तर में आबना खंडवा से मिल जाती है। दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान सीपरी से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो यह जो गुजरता है NH आगरा मुंबई गुजरता है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान सीपरी में जॉर्ज कैसल भवन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान सीपरी में शंख सागर झील भी है। माधव राष्ट्रीय उद्यान सीपरी की स्थापना 1958 में की गई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान सीपरी का जो क्षेत्रफल है वो 337 वर्ग किलोमीटर है। तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान सीपरी से संबंधित फैक्ट थे आपके। और मध्य प्रदेश में घड़ियाल संरक्षण का कार्य निम्न में से कौन से स्थानों में किया जा रहा है आपको बताना है। तो कैन घड़ियाल अभयारण्य जो कि छतरपुर और पन्ना जिलों में है और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य मुरैना में है। सोन घड़ियाल अभयारण्य सीधी शहडोल में है। तो उपरोक्त तीनों जगह घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है। वहीं बात करेंगे हम कैन घड़ियाल अभयारण्य छतरपुर पन्ना में है जो कि इसकी 45.222 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं सोन घड़ियाल अभयारण्य सीधी शहडोल में 41.800 वर्ग किलोमीटर में और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो मुरैना में 320 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। निम्न में से कौन सा जिला आम जिला घोषित किया गया है? ये आम जो आम फल है उसका आम जिला घोषित किया गया था जबलपुर, ये जबलपुर में आम जिला घोषित किया गया है। और प्रथम पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय आपको जबलपुर में ही मिल जाएगा। और जबलपुर के पर्यटन स्थल में मदर महल, 64 योगिनी का मंदिर, भेड़ाघाट, ये भेड़ाघाट जहाँ पर धुआंधार जलप्रपात है, पिसनहारी की मड़िया आदि प्रसिद्ध स्थल हैं आपके जबलपुर में। निम्न में से कौन सा जिला आंवला जिला घोषित किया गया है? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, ये पन्ना है जिला आंवला घोषित किया गया है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कट्टीवाड़ा मयूर अभयारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? कट्टीवाड़ा मयूर अभयारण्य जो प्रसिद्ध है प्रस्तावित है वह दोस्तों अलीराजपुर में है। और कालीभीत अभयारण्य बैतूल में प्रस्तावित है। मानधता ओंकारेश्वर खंडवा में और सुरमानिया खंडवा में प्रस्तावित है अभयारण्य। खंडवा
जिले के हनुबंतिया में पहले जल महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया था? जो प्रथम जल महोत्सव शुभारंभ किया गया था, खंडवा जिले के हनुबंतिया एक पर्यटन स्थल है और यह 12 फरवरी 2016 को इसका शुभारंभ किया गया था। खंडवा जिले के हनुबंतिया में पर्यटन स्थल विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे मध्य प्रदेश की पहली कैबिनेट बैठक भी हुई थी। यहाँ पे राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कीरतपुर किस जिले में स्थापना की गई है? जो राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कीरतपुर है वह होशंगाबाद में है दोस्तों, होशंगाबाद में है। राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कीरतपुर जिला होशंगाबाद अक्टूबर 2016 में स्थापित की गई थी। महर्षि अरविंद स्मृति समारोह किस जिले में आयोजित किया जाता है? आपको बताना है कि महर्षि अरविंद स्मृति समारोह जो किया जाता है वह देवास में जो है वो आयोजित किया जाता है। ध्रुपद समारोह भोपाल में आयोजित होता है। उस्ताद अमीर खान समारोह इंदौर में जो है वो आयोजित होता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह आपको खंडवा में जो है वो समारोह आयोजित होता है। मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे पुराना सुन कहाँ है? मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे पुराना सुन जो है वह ग्वालियर में है और सर्वाधिक औसत तापमान वाला आपका ग्वालियर ही आता है। ग्वालियर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र ग्वालियर अखबार है जो कि ग्वालियर में प्रिंट किया जाता है। शूटिंग के खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं? शूटिंग के खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप जो है वो खरगोन जिले से आते हैं। शूटिंग के खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह और इन्होंने भारत की तरफ से चेक रिपब्लिक में आयोजित 50 मीटर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। जब भी चेक रिपब्लिक में शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी तो इन्होंने ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जो है वो हिस्सा लिया था 50 मीटर राइफल शूटिंग में। आपको बताना है कि जगदम्बी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जगदम्बी जो देवी मंदिर स्थित है वह रीवा में स्थित है। और दोस्तों रीवा से संबंधित मात्र एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में स्थित है। ये कई बार पूछा गया है, एकमात्र सैनिक ये फैक्ट आ जाता है, ये तो आपको रट गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके ऑप्शन ही भूल गए हैं हम, तो कोई बात नहीं, ये दूसरे ऑप्शन ले लेते हैं हम, सुश्री उमा भारती और मुस्कान किरार और सुषमा स्वराज। तो निम्न में से किसका वास्तविक नाम लेखा देवश्री देवी था? तो ये विजयराज सिंधिया का नाम जो है वो लेखा देवश्री देवी था दोस्तों, और ये इसका आंसर निकल के आ गया है। और विजयराज सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 में मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था। ग्वालियर के महाराजा जीवाजीराव सिंधिया का जो विवाह के बाद इनका नाम विजयाराजे सिंधिया रखा गया था। विजयाराजे सिंधिया 1967 में मध्य प्रदेश गुना संसदीय सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार बनी थी। और दोस्तों विजयाराजे सिंधिया आपको पता ही है कि माधवराव सिंधिया की जो है वो माँ थी। तो इसके ऑप्शन दोस्तों आखिरी में हमें ध्यान नहीं रहा। और अब हम जो MP GK 4 का आपसे पूछा गया था कि जमधारा का रेणुका मंदिर माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये अभ्यास प्रश्न है आपका, तो ये भिंड में स्थित है दोस्तों, ये भिंड में स्थित है जमधारा का रेणुका माता का मंदिर। और आपको बताना है MP GK क्रमांक 5 का वीडियो का आंसर टुडे अभ्यास क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। आपको चार ऑप्शन दिए हैं, 19 अक्टूबर 1995, 19 जनवरी 1994, 19 अक्टूबर 1994, 19 जनवरी 1995। और इसका आंसर आपको कमेंट के जरिए देना है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी PDF और MCQ प्रैक्टिस दोस्तों जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का जो हमारा दूसरा वीडियो है उस तक के जो है MCQ और PDF अपलोड हो चुके हैं। और दोस्तों मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि जो MP करंट अफेयर 2018 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है इसमें आपको PDF ई बुक फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। और दोस्तों अभी
इसमें ऑफर चल रहा है, और इसमें जून 2019 तक की जो हमारी एमपी डैश ई मैगजीन होगी वह आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।